तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सितंबर के 1 तारीख से लेकर के सितंबर के 30 तारीख तक यानी पूरे सितंबर महीने में पोषण महीने का आयोजन पूरे भारत में किया गया है। इस दौरान जो है कई प्रकार के एक्टिविटी अलग अलग थीम्स के आधार पर जो है अलग अलग दिनों पर करनी है। इसके लिए कैलेंडर भी ICTS की ओर से जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये ठीक तरीके से समझ में नहीं आया है या फिर समझाया ही नहीं गया है कि आखिर किस दिन कौन सी एक्टिविटी किस प्रकार किस थीम पर एंटर करनी है ताकि नियम के अनुसार एंट्री हो पाए। बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्टिविटी को थीम्स को एक ही दिन एंटर कर दे जिससे बाद में गड़बड़ी हो सकती है। चलिए हम आपको पोषण अभियान कैलेंडर के साथ साथ सारा डिटेल में दिखाते हैं कि आखिर आपको किस दिन कौन सा एंट्री करना है और प्रैक्टिकल के रूप में आज कौन सा एंट्री करना है, क्या थीम रहेगा, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। साथ में पोषण माह कैलेंडर का एक्टिविटी जो करना है उसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। आप वीडियो को लाइक जितना हो सके कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ दिनों से काफी सारा कमेंट आ रहा है कि आखिर किस दिन कौन सा एंट्री करना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है सितंबर महीने में जब जब खुले रहेंगे तब तक जो है पोषण माह का एंट्री करना है। यहाँ पर मैं आपको पोषण माह कैलेंडर 2023 का जो PDF वो दिखा रहा हूँ उसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि आज अगर 19 सितंबर 2023 है तो आज आपको कौन से थीम पर कौन सी एक्टिविटी जो है एंटर करनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देखिए बड़ा शीर्षक है, लिखा गया है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2023 1 से 30 सितंबर में आयोजित होने वाली प्रस्तावित गतिविधियों की विवरणी यानी पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर थीम और उसका जो भी एक्टिविटी है वो लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में जो विषय है इसको थीम कहा जाता है, थीम लिखा गया है, डेट लिखा गया है इस थीम पर कार्यक्रम में एक्टिविटी कब आपको एंट्री करना है, डाटा एंट्री करना है और उस एक्टिविटी में उस थीम में उस दिन जो है किस टाइप का आपको काम करना है, एक्टिविटी करना है, ये सारी चीज़ें दी गई है। विभाग वगैरह नाम दिया गया है कि कौन सी विभाग ये काम करेगा। सारी चीज़ डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए जैसे कि मालूम है कि सितंबर का आज 19 तारीख हो गया तो नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है 18 से लेकर के जो है वो 20 सितंबर तक का जो है एक ही थीम पर काम करना है। लिखा गया है मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण स्तर में सुधार हेतु जागरूकता, यानी क्या लिखा गया है थीम क्या रहेगा। अभी फिलहाल आपको 18 से लेकर के 23 सितंबर 20 सितंबर तक मिशन लाइफ के संबंध में आपको थीम सेलेक्ट करके तब जाके पोषण अभियान की वेबसाइट पर एंट्री करना है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि आज 19 सितंबर 2023 है तो यहाँ पर आपको देखना है कि 19 सितंबर से संबंधित जो है कौन कौन सा एक्टिविटी जो है मैच कर रहा है। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे 18 से 23 सितंबर ये एक्टिविटी आप आज कर सकते हो, ये 23 तारीख तक करना है 18 से, और एक यहाँ पर दिख रहा है आपको 19 सितंबर का। तो ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी आपको जो है मिशन लाइफ वाले थीम में आज के डेट में करनी होगी, ऐसे आपको चीज़ों को समझना है। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी केंद्र ICTS के लिए है, ये भी आंगनवाड़ी केंद्र ICTS के लिए एक्टिविटी है। अब जैसे कि 18 से 23 तक मिशन लाइफ के संबंध में थीम में जो एक्टिविटी एंटर करनी है वो है होम विजिट। ये सब आपको इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, पोषण अभियान की वेबसाइट पर मैं आपको लाइव एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। होम विजिट में आपको 6 महीने से ऊपरी बच्चों के ऊपरी आहार में घर में आसानी से बनने वाले खाद्य विविधता को शामिल करने में परामर्श दिया ना, यानी कि 6 महीने से ऊपर के बच्चों को जो है घर में बनने वाला किस प्रकार का आहार दिया सकता है उसके बारे में आपको एक्टिविटी 18 से 23 सितंबर तक लगातार डेली ऐड करनी है पोषण अभियान की वेबसाइट पर। और एक 19 सितंबर के लिए अलग से स्पेशल एक्टिविटी दिया गया है मिशन लाइफ थीम के अंतर्गत कि समुदाय आधारित गतिविधि। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो है कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी CBA जो है यहाँ पर एंटर करना है जिसमें अन्न प्राशन सह स्कूल प्रवेश उत्सव दिवस का आयोजन करना है। साथ में 6 महीने के ऊपरी आहार ऊपरी उम्र के बच्चे वाले का आहार मिलेट को शामिल करने के संबंध खाद्य विवरणता को परामर्श देना है, यानी कि मिशन लाइफ के संबंध में 19 तारीख को ये दो एक्टिविटी एंटर करना है। लेकिन यहाँ पर मात्र दो ही एक्टिविटी नहीं आएगा, यहाँ पर आपको मिलेट के संबंध में जागरूकता देना है, एक्टिविटी एंटर करना है। तो आखिर ये कैसे करना है, चलिए लाइव हम आपको लॉगिन करके सीधे पोषण अभियान की वेबसाइट पर दिखा देते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर मैंने पोषण अभियान की वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया हुआ है और सीधे आपको एक्टिविटी पार्टीशन फॉर्म वाला जो है ऑप्शन खोलना है, डाटा एंट्री यहाँ पर शुरू करना है। आज 19 सितंबर है, मैंने बताया था कि आपको जो है
मिशन लाइफ वाले थीम में आपको काम करना है। और उसमें लिखा था हिंदी में कि मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण स्तर में सुधार हेतु जागरूकता। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और देखिए मिशन लाइफ के संबंध में इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ यहाँ पर, और ये जो है थीम दिया गया आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अगर आपको इंग्लिश में काम करने में दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ पर टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। ये पूरा पेज जो है ऑटोमेटिक देखिए ये सब जो है वो हिंदी में हो जाता है। यहाँ पर आपको हिंदी वगैरह सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल आप इंग्लिश में समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको जो है आपका आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है AWC, और उसके बाद आपका केंद्र कौन सा है ताकि मालूम चल पाए कि इस केंद्र से एंट्री हुई, आपको ये सेलेक्ट करना है, ये आपको पहले से मालूम है। मेन बात है एक्टिविटी के संबंध में। एक्टिविटी यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है कौन सा एक्टिविटी आपको एंटर करना है। मैंने आपको PDF में बताया था कि 18 से 30 सितंबर तक लगातार जो है मिशन लाइफ में जो है होम विजिट, उसमें जो है 6 महीना से ऊपर के बच्चों को ऊपरी आहार जो है घर में आसानी से किस प्रकार बनाकर शामिल किया जा सकता है उसके लिए परामर्श देना है, उसके लिए डिटेल में बताना है। यानी कि छोटे बच्चों के लिए घर में जो रेसिपी बन सकता है उसके लिए बताना है, घर में क्या बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया होम विजिट ग्री फार्मर, उसमें था विजिट्स एक्सक्लूसिवली फोकसिंग अवेयरनेस ऑन मिलेट्स के बारे में भी आप यहाँ पर उसके थीम को एक्टिविटी एंटर कर सकते हैं। साथ में आपको जो है मैं बता दूं कि बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर है अवेयरनेस कैंप ऑन हेल्थी या डाइटरी प्रैक्टिसेस रीजनल एंड सीजनल, यानी आपके एरिया में किस सीजन में कौन सा रीजनल फूड जो है अवेलेबल हो पाता है घर में, उस हिसाब से आपको जो है वो एंट्री कर देना है। वो था 6 महीने से ऊपर माँ के गृह भ्रमण वाले में। साथ में अगर मैंने बताया था कि सामुदायिक आधारित गतिविधि, उसमें लिखा था कि 6 माह से ऊपर के बच्चों का मिलेट शामिल करने के खाद्य विविधता का जो परामर्श देना था, तो मिलेट्स वाला ऑप्शन आपको जहाँ भी मिलेगा, देखिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देख बता देता हूँ। जैसे कि आपको मिलेट्स के संबंध में देखिए सैनिटाइजिंग ड्राइव एंड आउटरीच एक्टिविटी और न्यूट्रिशन थ्रू मिलेट्स इन माइनॉरिटी डोमिनेशन, मान लीजिए आपको ये एक्टिविटी एंटर करना होगा। साथ में यहाँ पे मिलेट्स क्या हो सकता है अर्बन स्लम्स एरिया में, साथ में मिलेट बेस्ड फूड लोकल फेस्टिवल के साथ आप इसको अवेयरनेस ला सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन ड्राइव ऑन अम्मा की रसोई या ग्रैंड मदर किचन मिलेट्स का क्या यूज सकता है, यहाँ पर भी मिलेट्स के बारे में बात की गई, यहाँ भी यहाँ भी। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि मिलेट्स के बारे में जागरूकता के संबंध में जो है यहाँ पर सामुदायिक आधारित गतिविधि के लिए कैंपेन वगैरह है, अवेयरनेस है। तो ये सारी चीज़ें आप वो 19 तारीख के डेट में आज के लिए दिया गया, मान लो आपको ये एक्टिविटी भरना है। अब हमने जो है थीम सेलेक्ट कर लिया, एक्टिविटी सेलेक्ट कर लिया, और ये आपको आज का डेट के यहाँ पर 19 तारीख सेलेक्ट करना है क्योंकि ये 19 तारीख की एक्टिविटी है। साथ में और टू डेट जो है आपको 19 ही सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कितने जो है बड़े पुरुष थे, एडल्ट पुरुष थे, वो आपको एंटर करना है। कितने जो एडल्ट महिलाएं थी 18 वर्ष के ऊपर की, वो एंटर करना है। कितने छोटे बच्चे थे मेल, वो एंटर करना है। कितने छोटी बच्चियाँ थी, वो एंटर करना है। टोटल आपको यहाँ दिखा देगा। अगर आपके पास फोटो होते हैं आप जरूर अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं, ये चीज़ें सबमिट हो जाती हैं। इस प्रकार आपने समझ लिया कि ये पूरा मामला जो है वो थीम कैसे सेलेक्ट करना है और एक्टिविटी कैसे एंटर करना है, ये आपको PDF में ही देखने को मिल जाएगा। मैंने आज के माध्यम से आपको समझा दिया। अगर कोई दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपके लिए एक्टिविटी के संबंध में वीडियो लेकर के आऊं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो फाइनली उम्मीद है आपको जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था किस दिन क्या एंटर करना है, कैसे करना, आप सारी जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।